दोस्तों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल में आप देख रहे हैं 16.4 एक्सरसाइज का वीडियो नंबर 2। यदि आपने और वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा। और यदि आप इसको भी ध्यान से समझते हैं तो ये भी बिल्कुल आपके आने वाला है समझ में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का एक क्वेश्चन है। एक सदिश दे रखा है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा बी एक सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप पर लंब सदिश ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखिए सदिश कह रहा है, सदिश ए तथा बी के लंबवत सदिश सदिश क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था इससे पहले के वीडियो में, तो इसमें भी समझ लीजिए, फिर भी आपके समझ में आ जाएगा। आई जे के आप तीनों को इस तरह लिख लीजिए। अब जो भी इनके वेक्टर, इस वेक्टर के कोफिशियंट हैं वो आप नोट कर दीजिए यहाँ पर, एक एक एक। इसके जो कोफिशियंट है यानी कि गुणांक, 2, 3 और -1, 2, 3 और -1। अब इनकी गुणा कैसे करनी होती है, जो भी आपको यहाँ पे लिख रहा है आई जो सबसे ऊपर इधर साइड है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और फिर इसके सामने के सभी ढक दीजिए और इसके नीचे के। अब आपके पास 3 और 1 ये बचेगा, 3 की 1 के साथ 3, और फिर माइनस अपने तरफ से लगाना पड़ता है, और -1 की -1 के साथ तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 1। और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर जे उतार लेंगे, फिर जे के साथ भी उसी तरह से करेंगे हम फॉलो नियम को, कि इसके ऊपर वाले सारे को ढक देंगे और इसके नीचे वाले को सभी को। तो ये आपका 2, 1 और -1 और 1 ये बचा, फिर 2 की गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे माइनस का, माइनस के चिन्ह लगाने के बाद 1 की गुणा 1 के साथ -1 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1, फिर के साथ भी इसी तरह करेंगे हम, कि ये वाली पूरा जो रो है ये ढक देंगे और इस पूरे कॉलम को ढक देंगे। अब आपके पास 1, 2, 1, 3 ये बचा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3, 3 एकम 3। अब आपका ये आ गया 3 और 1 4, 4i कैप माइनस 2 प्लस 1 3j कैप, यहाँ कैप लगा लीजिए, और यहाँ आपका माइनस के कैप आ गया। ये है आपका फाइनल उत्तर। यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्लीज कमेंट कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2014 में आया है। सदिशों ए दे रखा है तथा बी से होकर गुजरने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब आपको लंबवत तो पता ही है किस तरह निकालना है, ए क्रॉस बी की तरह निकालना है, और इसमें जो दूसरी बात कहा है इकाई सदिश। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो भी सदिश आप निकाल रहे हैं वो सदिश इसी तरह लिख दीजिए, ए क्रॉस बी आपने निकाला है, और इसका फिर मापांक, ए क्रॉस बी का मापांक आप निकाल दीजिए, तो आपका इकाई सदिश या फिर मात्रक सदिश आ जाएगा। इसको मात्रक सदिश भी कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने निकाला है सदिश ए तथा बी के लंबवत सदिश, तो वह तरीका आपको पता ही है। आई जे के तीनों को लिख लेते हैं और फिर हम करते हैं सॉल्व। इसका गुणांक 3, 2, 2 इसका, और इसके गुणांक को लिख लेते हैं 2, 4, 3। अब आप आई कैप देखिए, आई कैप इसके लिए किस किस की गुणा होगी, 4 से 2 की, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और 3 दूनी 6, फिर माइनस जे, जे पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर आगे प्लस, ठीक है, इस तरह चलता है यहाँ पे। और फिर देखिए 2 की गुणा 2 के साथ 4, 3 की गुणा 3 के साथ माइनस का चिन्ह लगा के 9, फिर प्लस में के, और फिर आपका 2 की गुणा 2 के साथ 4 और माइनस का चिन्ह लगा के 4 तिया 12। तो आपकी ये मल्टीप्लाई हमने कर दी है। देखिए जब हमने 8 में से 6 घटाया तो आपका 2i कैप बचा,
और फिर यहाँ पर देखिए 9 में से जब 4 घटाया तो 5 बचा, और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस 5j कैप। अब देखिए 12 में से जब हमने 4 घटाया तो आपका कितना बचा, 8 माइनस के 8 k कैप। अब आपके पास a क्रॉस b आ गया है, इसके बाद a क्रॉस b का आपको मापांक निकाल देना है। मापांक निकालने का वही फॉर्मूला है, i के गुणांक का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस माइनस के 8 का वर्ग। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2 दुनी 4 प्लस 5 पूरे 25 प्लस 64। इन सबको जोड़ने के बाद आएगा आपका अंडर रूट 93। अब आपको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मापांक। अब ए क्रॉस बी आपके पास है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप बटे अंडर रूट 93। तो ये आपका आ गया है आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।